झालरापाटन की एक विवाहित की आज झालावाड़ अस्पताल में हुई मौत का मामला विवाहित के ससुराल पक्ष के लोगों व पीहर पक्ष के लोगों के बीच उलझ गया। पति व ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि विवाहिता की मौत बीमारी के कारण हुई है। वहीं पीहर पक्ष के लोग मौत का कारण संदिग्ध मान रहे हैं और पुलिस से कार्यवाही की मांग कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अड़ गए हैं। झालरापाटन गुर्जर मोहल्ला की रहने वाली पद्मा गुर्जर 25 पति तूफान एक कि कल दोपहर तबीयत खराब हुई थी। पद्मा के पति तूफान का कहना है कि तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने वहीं झालरापाटन में किसी डॉक्टर से ड्रिप चढ़वाई, लेकिन रात को 3 बजे अचानक फिर तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे झालावाड़ के SRG अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सुबह 9 बजे करीब जहां कुछ घंटों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पद्मा के पीहर पक्ष के लोग भी झालरापाटन के मदन विहार कॉलोनी में रहते हैं। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे सभी झालावाड़ SRG अस्पताल पहुंच गए और पद्मा की मौत को संदिग्ध बताते हुए इस मामले में पोस्टमार्टम की बात करते हुए कानूनी कार्यवाही की बात कही। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।